Hello everyone, good afternoon to all of you, my dear friends and future IAS officer. You all are very very important. You all are very very warm wishes to you. okay. <coughs> so you all are very very welcome, my dear friends, here. Okay. So this is Hindi channel. So you all are welcome. Let's crack UPSC CSA Hindi. of eco Am I audible and visible to all of you? आज आप सभी लोग जिगर जी सर जी आप कहाँ हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चे आज का सेशन समझ लीजिए आप इस प्रकार ऐसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपको पता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में क्लॉक का टॉपिक बहुत इम्पॉटेंट है इज इट क्लियर और मैंने आपको पढ़ाया भी था ठीक है तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानेंगे आज के सेशन में पहली बार तो ये बताओ कि आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो आपको जो ये जो घड़ी दिख रही है ये जो क्लॉक दिख रही है ये किस जमाने की है कौन से टाइम की है क्या ये हम लोगों के टाइम के हैं या हमारे बच्चे के टाइम के हैं या हमारे पापा मम्मी के टाइम के हैं या हमारे दादू दादा के टाइम पे हैं यस yes. चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं लव यू सो मच मेरे प्यारे फ्यूचर आइस ऑफिसर लव यू सो मच एक बार सभी लोग आ जाइए सभी लोग आ जाइए सभी लोग हाँ सर आ गए हैं भाई सर नहीं आएंगे तो कब आएँगे बताओ सर नहीं आएंगे तो कब आएंगे है ना क्लियर एक सेकेंड चलिए सभी लोग आ जाए फटाफट चलिए अब मैं भी हो गया तैयार आप सबके सामने है ना सो so फ्रेंड्स आज के सेशन में आप सभी लोग एकदम चिपक के बैठ जाइए है ना चिपक के बैठ जाइए एकदम फेविक्विक के फेवी कॉल की तरह ताकि हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे और टॉपिक को अगर होगा अगर आज कंप्लीट नहीं तो मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा ठीक है आराम से पढ़िए इसके बाद अनकेड इसके बाद दूसरे चैनल पर मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है सभी लोग आ चुके हैं ठीक <laughs> है तो माय डियर फ्रेंड यू आर आर वेरी वेलकम ऑन दिस स्पेशल सेशन ओके अन अकेडमी पे आपको बस कुछ ही दिन रह चुके हैं ओके एंड टुडे टुडे इज टुडे इज द टूडे इज ट्वेंटी फर्स्ट में एंड वी हैव ओनली फॉर फाइव डेज लेफ्ट ओके फॉर दिस काइंड ऑफ ऑफिस ऑफर तो अगर आप <laughs> एक के साथ आपको चार चीज़ें मिलेंगी आपको प्रिंटेड बुक्स भी देंगे आप लोगों के अंदर जो चस्का था कि एडमिशन लूँगा जाऊँगा किसी कोचिंग मुखर्जी नगर में पढ़ने या करोल बाग या दिल्ली में कहीं भी चाहे इलाहाबाद हो कहीं भी तो मुझे बुक्स मिलेंगे अब ये चस्का खत्म ये बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ठीक है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर ये है कि अगर आप एक साल का एडमिशन लेते हो तो आपको थ्री टू फोर मंथ्स आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो है ना जबकि उससे ज़्यादा पढ़ लोगे आप अगर आज लोगे तो आप अपने ड्रीम को लोन के थ्रू भी ले सकते हो किसी को लोन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो इसके लिए आपको 25 परसेंट प्लस 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा इसका मतलब टोटल क्या मुझे आप टोटल बता सकते हो अच्छा कितने ऐसे स्टूडेंट आप लोगों में से यहाँ सर आपका मार्केट में बुक आ रहा है सुनो कितने स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग यहाँ पर आ, कितने स्टूडेंट्स हैं हा? है ना कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग यहाँ पर जो टू में देने जा रहे हैं इस साल और टू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आप 2021 में दे रहे हैं तो आप वन ईयर का एडमिशन ले लेना ले ठीक है और क्यों क्योंकि आप फाइव डेज ही रह गए हैं तो 26 मई लास्ट डेट है और लोगे तो ये वाला कोड यूज करना एस के एस वन जीरो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एकदम फटाफट डिस्काउंट है ना और साथ में मैं आपको गाइड करूँगा आइकॉनिक हो चाहे जी हो आप जैसे ही एस के एस वन जीरो कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा ओ मेगाट है ना यहाँ भी आपको सेवेंटी सिक्स हंड्रेड और यहाँ भी आपको फिफ्टी सेवन हंड्रेड का डिस्काउंट हो जाएगा इन टोटल में और थर्टी फाइव परसेंट का डिस्काउंट इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनकेडमी पर कल ही न्यू बैच स्टार्ट फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हो अन अकेडमिक कॉम्बैट में पार्टिसिपेट मत करना भूलना पार्टिसिपेट अन अकेडमिक कॉम्बैट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है आप लोगों में से किस किस अन अकेडमिक कॉम्बैट में इसलिए पार्टिसिपेट करिएगा क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है कॉम्बैट अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इस कॉम्बैट को लाइव लेना है आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन ऐप से डाउनलोड करना है और आपको वहाँ पे हाँ क्योंकि फोर सी आर चार करोड़ का एस के एस टेन कोड को अप्लाई करना है यूज क्या करना है एस के एस वन जीरो ओके जिसके थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स को लेना है ठीक है इसका अगर आप अनकेडमिक कॉम्बैट में करना चाहते हो तो चैट सेक्शन में सबसे ऊपर देखना आपको अन अकेडमी कॉम्बेट का एनरोलमेंट होगा क्योंकि अगर आप फर्स्ट से थर्ड रैंक के अंदर आते हो तो अनकेडमी का जो वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन जितना कॉस्टली जो इतना जो ये चीज़ें जो आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ठीक है वो चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ोगे रैंक फोर्थ से टेंथ तक के डिस्काउंट ये सारी चीज़ें हैं बाकी अगर आप अन अकेडमी पर एडमिशन लेते हो तो दिमाग से बातें निकाल दो कि एक ही एजुकेटर पढ़ाते नहीं वहाँ पे लोगे तो आप सभी टीचर से पढ़ोगे सबकी क्लास देखोगे चाहे आप किसी भी सर के थ्रू एडमिशन ले रहे हो कोई वो नहीं है और सभी कोर्सेज को करोगे क्या करोगे ऑल कोर्सेज यू कैन एक्सेस देयर सो यूज इफ यू वांट टू प्रिपेयर विथ मी अंडर द गाइडेंस ऑफ मी देन यू कैन यूज देयर रेफरल कोड ऑफ दिस एस के एस वन जीरो विच कोड एस के एस वन जीरो और ध्यान रखना आंसर राइटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट है ना उसके बाद प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो प्लस लेंगे तो आपको लाइव का सभी लोग आ गए फटाफट सभी लोग आगे हैं कमान 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 कौन कौन मैं बनारस से हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड उसके बाद ध्यान रखिएगा प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो पर्सनल गाइडेंस सब कुछ आपको मिलता है आइकॉनिक में आपको सारी चीज़ें आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनल कोच और के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सभी भी लेंगे आप को अप्लाई करेंगे यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट सी एस सी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल जिसने नहीं लिया मुझे बहुत खुशी हुई आज भी कुछ बच्चे ने ऑप्शनल का एडमिशन लिया है ठीक है अच्छी बात है इसका मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये आपकी अच्छी प्लानिंग है स्ट्रेटजी आप सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए अगर आप टू ट्वेंटी वन अगर आप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अगर आप पता है ना आपको टेंथ अक्टूबर का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम है तब तक अगर आप ऑप्शनल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा वेरी गुड बहुत अच्छा तो आप तब तक या तो सिक्स मंथ का ले लीजिए या तो वन ईयर का ले लीजिए इतना पेन ही करना है आपको इस कोड को अप्लाई करना है एस के एस वन जीरो आपको डिस्काउंट हो जाएगा और आप तब तक आप कर लीजिएगा ठीक है चलिए बट इफ़ यू वांट टू क्लियर द यू एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट देन यूज़ माय कोड एस के एस वन एकदम रगड़ के मेहनत करनी है दिन रात कुछ भी हो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करना है एकदम फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करना है ठीक है सर हमारे पास पैसे ही नहीं हैं घर वाले देंगे नहीं तो लेंगे कैसे भैया घर वाले नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं पैसे तो फ्री में पढ़ूँ ना क्या दिक्कत है फ्री में पढ़ो लेकिन घर वाले तुम्हें जब पैसा देंगे ना जब तुम घर वालों को मेहनत करके दिखाओगे पता चले तुम्हारा रिकॉर्ड ही खराब हो घर वालों के सामने सही बात है कि ना आजकल पेरेंट्स बड़े चालाक हैं ये मत सोचो कि पेरेंट्स आप जो कहोगे वो बात एक ही बार में मान लेंगे है ना पेरेंट्स को लगता है कहीं मैं इसको पैसा दे दूँ कहीं पता चले पैसे के नाम पर पैसे तो ले ले पता चले पढ़ने के बजाय कुछ और ही करने लग जाए है ना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है पर्सनल इसलिए आपको पहले अपने माँ बाप का दिल जीतना होगा और दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चों को खुश होने के लिए कुछ भी ना करे भाई साहब अगर आप अपने माँ बाप का अगर आप दिल जीतना चाहते हो तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा उनको विश्वास दिलाना होगा कि देख मुझ में है दम मैं करके दिखाता हूँ आपको प्रीलिम्स पास करके जिसके पास ही पैसे की दिक्कत है तुम प्रीलिम्स पास करो वो मेहनत करो फिर तुम पास करो तो मेरे को कॉल करना फिर तो अपने पेरेंट्स से बात करवाना मेरी देखो कैसे नहीं होंगे सब कुछ होगा अब तुम पढ़ोगे ही नहीं तुम पढ़ने के सिवा पता चले तुम कुछ और ही दिन दिन भर मोबाइल लेके बैठोगे क्लास का लेक्चर देखने के, के बजाय तुम अपने आइटम से व्हाट्सअप पे बात करोगे फेसबुक देखोगे पता चले कुछ और गूगल में सर्च करने लग जाते हो तो भरोसा नहीं ना भाई तुम सबका है ना इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है चलिए 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 तो सभी लोग राइट डाउन कीजिए आज आप अपने सभी लोग ठीक है ना लिखिए क्लॉक क्लॉक आराम से लिखे क्लॉक ठीक है क्लॉक लिखे सभी लोग सभी लोग रेडी हैं क्लॉक लिख के से रेडी हैं क्या मैं आपको क्लॉक दिखा के पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या मैं आपको क्लॉक दिखा के पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों सभी को मेरी बात समझ में आ रही है मेरे समझ में देखिए सबसे पहले क्लॉक में जो है ना तीन टाइप की सुइयाँ होती हैं जो सुई जो होती है सुई जिसको हम लोग हैंड कहते हैं जिसको हम लोग हैंड कहते हैं तीन टाइप के सुई होती है देखिए एक सबसे पहली बात एक तो होता है आपका मिनट हैंड फिर एक होता है आपका आवर हैंड और एक होता है आपका सेकेंड हैंड यानी एक होता है आपका मिनट की सुई एक होती है आपकी मिनट की सुई है ना होती है ना है नो मिनट की सुई यानी हम लोग इसको बोलते हैं मिनट हैंड ठीक है मिनट हैंड होते है, ध्यान रखिएगा ठीक है ना मिनट हैंड तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा क्लॉक ला करके दिखाऊँ तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे ठीक है तो एक बार थोड़ा वेट कीजिए मैं क्लॉक लेकर के आता हूँ ठीक है सर फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाला हूँ सर अभी से प्रिपरेशन कर रही हूँ ठीक है ठीक है एक सेकंड थोड़ा इंतज़ार करिए देखो तो एक से अधिक बार कमेंट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा कमेंट मत करना मैं क्लॉक लेकर के आ रहा हूँ एक सेकंड को क्लॉक लेकर के आऊँ आप सभी के लिए मैं आपको क्लॉक दिखाऊंगा और लाइव एग्जाम्पल दे के एकदम चिपक जाओ फिर भी कॉल की तरह चिपक जाओ फिर भी कॉल की तरह चिपक जाओ सुनिए मैं आप सभी को दिखाता हूं देखो मिनट की कौन सी है? है ध्यान से देखना। मिनट की वो है जो बारह पर है मिनट की सुई जो है वो बारह पर है ट्वेल्व पर है ठीक है अगर मैं इस मिनट की सुई को अगर मैं टर्न करूं घुमाऊं तो देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना अगर आप मिनट की सुई को अगर आप घुमाओगे घुमाओगे मिनट की सुई को तो पूरा एक चक्कर लगाया कि नहीं लगाया यस या नो पूरा एक चक्कर लगाया अगर एक बार मिनट की चक्कर पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो कितना होता है एक घंटा होता है मिनट की चक्कर अगर एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है तो वन आवर्स होता है यस या नो एक सौ नो वन होता है इसका मतलब या तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये मिनट की सुई जब एक कंप्लीट एक चक्कर लगाएगी ये वाला मिनट सी जब यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक आ जाती है तो एक घंटे होता है यानी कि एक घंटे होगा वन आर वन आर में आपका तीन सौ साठ होगा मेरे प्यारे बच्चे कोई भी चीज़ अगर एक कंप्लीट एक सर्कल लगा घूम जाए एक कंप्लीट एक चक्कर लगा देती है किसी भी सर्कल का किसी भी वृत्त के फॉर्म में यानी ये यह यहाँ से एक चक्कर लगा लेगी तो ये एक घंटे में 360 सौ साठ होगी यस या नो और ये देखो ध्यान से देखना ध्यान से ध्यान से इधर देखना यहाँ देखना अच्छा ये सेकंड की सुई है सेकेंड की सुई अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड की सुई है सेकेंड की सुई देखो अभी छः के आसपास है ध्यान से देखना सेकेंड पर सेकेंड की सुई अभी आपको छः के आसपास दिख रहा है अब सात के आसपास अगर ये पूरी सेकेंड की सुई अगर ये पूरा एक राउंड लगा लेगा तो क्या बनता है अगर सेकेंड की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो क्या बनेगा पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो क्या बनेगा सेकेंड की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो क्या बनेगा अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं मैं यहां पर आपको एक सेकेंड की सुई की बात करता हूं सेकेंड की सुई की बात करता हूं इसको मैं बात करता हूं सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड अगर सेकेंड की सुई अगर सेकेंड की सुई अगर पूरा एक सेकेंड लगा तो मिनट बनता है कितना बनता है एक मिनट यानी कि एक मिनट में भी 360 डिग्री होगा एक मिनट में भी 360 डिग्री मेरे प्यारे फ्यूचर है ये सबसे कन्फ्यूज मत होना यहीं पे समझो भाई क्यों हो रहा है 360 डिग्री क्योंकि ये सुई पूरी एक चक्कर लगा रही है यो सुई पूरी एक चक्कर लगा रही है चक्कर लगा रही है चक्कर लगा रही है तभी हो रही है तीन सौ ठीक है अब आप मुझे फरफराते हुए फटाफट बोलो एक घंटे में कितना मिनट सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट बराबर तीन सौ साठ डिग्री और यहाँ से अगर आप करोगे एक मिनट बराबर तो तीन सौ साठ बराबर बटे में ये वाला साठ आएगा साठ छः के छः तो ये आएगा आपका एक मिनट में आपका छः डिग्री आएगा क्या यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की फरफराहट क्या यहाँ तक किसी बच्चों किसी फॉर्म्स ऑफ कंप्लीट सर्कल यस सुनार बडी हैज एनी काइंड ऑफ फरफ्राड माई डियर फ्रेंड्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एनी बडी हैज एक मिनट में छः डिग्री होगा कि किसी को कोई फरफराट है क्रिस कह रहा है आई एम नॉट कन्फर्ड बाकी सभी को समझ में आया केवल क्रिस को नहीं समझ में आया इसलिए नहीं तुमको समझ में आया कि तुम भूल गए कल तुमको पढ़ाया था ना डिस्प्लेसमेंट तुम अभी डिस्प्लेसमेंट वाली चक्कर में घूम रहे हो मेरे बच्चे फटाफट निकल के आओ डिस्प्लेसमेंट मत देखो डिस्टेंस मत देखो भूल गए पकलोली के घर तुम गए थे तो एक मिनट में डिग्री भाई एक घंटे में साठ मिनट हो गए है यो एक घंटे में साठ मिनट तो तीन सौ साठ डिग्री तो यो एक मिनट में तीन सौ साठ बट्टे साठ करोगे तो डिग्री क्लियर नेक्स्ट एक मिनट में कितना होगा वन मिनट में यू नो सिक्सटी सेकेंड वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री सो वन सेकेंड इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई सी इन टू करेंगे तो ये आएगा छः डिग्री वन सेकेंड बराबर ये होगा आपका छः डिग्री अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है एक बार आप पहले इसको देखिए एक दो मिनट का टाइम दीजिए यहाँ पे फिर मैं आपको इसको पहले आप नोट डाउन करो फटाफट कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं आएगा क्लॉक समझ में दिमाग से निकाल दो क्लॉक का टॉपिक बहुत आसान है बहुत इजी है आपको सब समझ में आएगा है ना पूरी कंप्लीटली इसको नोट डाउन करो वेन आपने नोट डाउन जैसे आपने कर लिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में एस के एस वन जीरो कोड का रिप्लाई करिएगा यस सर आई हैव डन दिस यस सर आई हैव डन दिस फटाफट फटफट फटफट तेजी में वेरी गुड यस सर वेरी गुड बहुत अच्छा अनामिका त्यागी रूपाली पांडे राकेश कुमार रितु सिन्हा हाई जो आज दिख रहा है हाई देखा वेरी गुड वेरी गुड पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सारे से अब की कंप्लीट क्लास टेलीग्राम पे नहीं है क्या वेरी गुड वेरी गुड आप हैं तो पॉसिबल है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्रेज 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 क्रेश बेटा तुम ध्यान से देखो ध्यान से देखो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रीना दलील बहुत अच्छा अमन तो थोड़ा सा पेशेंस रखो सब कुछ आएगा समझ में सब कुछ आएगा समझ में एवरी यू विल भी अंडरस्टूड एवरी थिंग एवरीथिंग कम मॉन भैया जिसमें हम मेहनत करने तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर मिनट की की बात की जाएगी तो एक मिनट बराबर डिग्री और सेकंड की भी की भी बात की जाएगी तो एक सेकंड में छः डिग्री बस सिंपल सा अब देखो मेरे प्यारे बच्चे मैं अब यहां पर घंटे की सुई की बात करूंगा घंटे की सुई की बात करूंगा यानी कि आवर एंड आवर एंड की बात करूंगा घंटे की सुई की बात करूंगा आवर एंड अब आवर एंड पे आ जाइए सभी लोग आराम से यस, यस 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 कोई बात नहीं लेट मत होया करो लेट मत होया करो सुनो ध्यान से देखो अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ मान लो कि घंटे की सुई तो तीन डिग्री का चक्कर कब होगा अगर ये घंटे की सुई है तो आप जरा तो थोड़ा सोचो सोचो ये जो घंटे की सुई है जो घंटे की सुई छः पर जो है यानी सुनो 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 एक सेकेंड बेटा थोड़ा आराम से थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन समझने के लिए आपको टाइम आपके लिए देखो मैंने अपने घर की दीवार घड़ी वॉल क्लॉक आपके लिए मैं लेके आया हूँ ठीक है ना जबकि देखो वॉल क्लॉक देखो चल रही है ये चलती हुई स्थिति में मैंने कहा भाई फिर भी इनको पढ़ाना है अब बीवी लाने नहीं दे रही थी है ना ऊपर से बीवी नाराज़ हो जाती है आप सभी को पता ही है तो मैंने कहा नहीं, नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा तो जरूर ये चलो चलो ठीक है थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ देखो थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ घंटे की सुई बताओ किस पर है घंटे की सुई बताओ किस पर है तो ये घंटे की सुई किस पर है घंटे की सुई किस पर है देखो ट्वेल्व पर है है ना तो कितने घंटे में तीन सौ साठ डिग्री होगा इन हाउ मेनी आर्ट्स इन हाउ मेनी आर्ट्स इन हाउ मेनी आर्ट्स इन हाउ मेनी आर्स तो बिल्कुल देखो अगर ये ट्वेल्व है है ना तो ये 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 वाले सुई जैसे अभी मान लो बारह हो रहे हैं तो अभी तो फिर ये बारह घंटे बाद देखो ये कंप्लीट एक चक्कर लगा लेगी तभी तो एक पूरा आवर की उसी कंप्लीट एक चक्कर लगाएगी तभी तो तीन सौ सा, तीन सौ साठ डिग्री का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे थ्री सिक्सटी तीन सौ साठ डिग्री का मतलब है कंप्लीट एक चक्कर देखो अब ये कंप्लीट एक चक्कर लगा ली देखो कंप्लीट एक चक्कर लगा लिए इसका मतलब इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे घंटे की उसी की बात की जाएगी तो बारह घंटे बारह घंटे बराबर तीन सौ साठ डिग्री तो यहाँ से आप एक घंटे की बात करेंगे तीन सौ साठ बटे में बारह बारह या छत्तीस ये आएगा आपका तीस डिग्री एक घंटे में, टीज टी में कितना आएगा तीस डिग्री ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा एक घंटे में कितना आएगा तीस डिग्री अच्छा एक घंटे में कितना मिनट होता है कोई मुझे बताएगा एक घंटे में कितना मिनट होता है एक घंटे में वन आवर्स में आपको पता है कि एक वन आवर्स में सिक्सटी मिनट भी होता है सिक्सटी मिनट भी होता है और यहाँ पे 30 डिग्री है तो अगर मैं यहाँ से वन मिनट की बात करूँ तो आप कहोगे कि सर 30 बटे साठ यानी कि एक बट्टा दो यानी कि हाफ डिग्री यानी कि आप कह सकते हो कि सर एक मिनट बराबर एक बट्टा दो डिग्री होगा एक बट्टा अब इसको ज़रा कन्फ्यूज मत होना घंटे की सुई के द्वारा घंटे की सुई के द्वारा घंटे की सुई के द्वारा आवर एंड के द्वारा घंटे की सुई के द्वारा आवर एंड द्वारा एक मिनट में एक बेटा दो डिग्री का कोण बनता है आधा डिग्री का कोण बनता है वन बाई टू डिग्री का कोण बनता है बस छोटी सी बात है मेरे बच्चे ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा बस यही पर देखो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा छः डिग्री का एंगल एक सेकेंड में सेकेंड की सुई के द्वारा सिक्स डिग्री का एंगल और एक मिनट में ये आवर एंड के द्वारा इसके द्वारा एक बट्टा दो डिग्री का एंगल बनेगा बस अब छोटी सी बात थी अगर आपको ये बातें याद रहेगी तो ठीक है नहीं याद रहेगी तो, तो भी कोई बात नहीं मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक अच्छा, है ना भाई सिक्सटी समझा दो मेरे भाई एक घंटे वन आवर्स में सिक्सटी मिनट होता है ना जो एक घंटे इसका मतलब है कि तुमको घंटे मिनट का कुछ नहीं पता है जिस बच्चों को नहीं पता है इसको ध्यान बफरिंग हो रहा है बफरिंग हो रहा है नहीं तो देखो जिसको नहीं पता है ये लिख लो एक घंटे में होता है हमारा सिक्सटी मिनट ठीक है और एक मिनट में होता है हम लोगों का सिक्सटी सेकेंड ये दो तीन चीज़ें लिख लो ठीक है ना सिर्फ दो तीन चीज़ें लिख लो क्लियर है इतना पॉइंट क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स इज इट क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर चलिए इतना पॉइंट क्लियर है चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दूँ क्वेश्चन दूँ अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा क्लियर चलिए अब आप एग्जाम्पल लिखिए अब आप एग्जाम्पल लिखिए मेरे प्यारे बच्चे अब आप एग्जाम्पल लिखिए अब आप एग्जाम्पल लिखिए हम hmm? एक सेकंड मेरे बच्चे वन सेकंड जरा में मिले जरा वन सेकंड वन सेकंड से तो टूट गया था देखो है? ठीक है लिखिए देखो सुनो ध्यान से अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप लोग एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस ठीक है इस एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कोनीय दूरी है ना कोनीय दूरी इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोनीय दूरी का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए कि मान लो कि मिनट की सुई के द्वारा है ना मिनट की मिनट की एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल लिखिए सब लोग मिनट की सुई के द्वारा मिनट की सुई के द्वारा जैसे अभी टाइम हो रहा है चार बजकर पंद्रह मिनट चार बजकर पंद्रह मिनट से लेकर से लेकर चार बजकर पचास मिनट चार बजकर पचास मिनट तक तक कोनी दूरी क्या होगी तक कोनी दूरी कोणीय दूरी क्या होगी आप इसको ध्यान से मैं समझाता हूँ एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए आप क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखिए भाई क्वेश्चन रखो तो अब सब समझ में आएगा देखिए फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड फ्रॉम फोर फिफ्टीन पी फ्रॉम फोर फिफ्टीन पी एम टू फोर फिफ्टी पी एम टू फोर फिफ्टी पी एम पी एम पी एम फोर फिफ्टी पी एम हाओ मनी डिग्री डिस्टेंस हाओ मेनी डिग्री ऑफ डिस्टेंस इज फॉर्म यानी कितना डिग्री होगा मतलब कि कोनी दूरी का जो आंसर होगा ना ये आपका इन द फॉर्म ऑफ द डिग्री होता है है न एक एंगल में आएगा इन द फॉर्म ऑफ एंगल ध्यान से समझो देखो तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान से समझो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है देखो मिनट की सुई की बात की जा रही है मिनट की सुई की बात तो आप जरा ध्यान से समझो ध्यान से ये आपका चार बजकर पंद्रह मिनट है मेरे बच्चे अभी अना अभी इंग्लिश चैनल पे शाम को छः बजे कंप्लीट डाइस पढ़ाऊँगा जब तक ये डाइस ख़त्म होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं जब तक डाइस ख़त्म होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसलिए वो वाली क्लास जरूर कर लेना 4:15 पीएम है ठीक है और ये है आपका 4:50 पीएम 4:50 पीएम भाई बज तो रहे हैं चार ही पंद्रह मिनट और पचास मिनट में कितने का गैप है कितने मिनट का गैप है भाई पैंतीस मिनट का गैप है थर्टी फाइव मिनट का गैप है और आपको पता है कि मिनट की सुई के द्वारा मिनट की सुई के द्वारा एक मिनट में डिग्री का एंगल बनाया जाता है एक मिनट में छः डिग्री का एंगल बनाया जाता है तो ऐसे में पैंतीस मिनट में ऐसे में पैंतीस मिनट में पैंतीस मिनट में पैंतीस गुना छः करेंगे तो दो सौ दस डिग्री का एंगल बनाया जाएगा यस या नो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स सभी को बात समझ में आ रही है दो सौ दस डिग्री का एंगल बनाया जाएगा मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो मुझे लग रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को सभी को सारी चीज़ें आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ठीक है टू अभी अभी टू लिखो आराम से सब समझ में आ जाएगा ठीक है ना तो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ऐसे में ही ऐसे में ही दे रहा हूँ जैसे कि मान लो तीन बजकर दस पी से लेकर के है ना दस पी से लेकर के आपको बताना है तीन बजकर उनतीस पी तक कितने डिग्री का कोणीय दूरी होगा कितना एंगुलर डिस्टेंस होगा बस आपको मिनट की बातों को याद रखना बस एक मिनट अभी मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ जब आवर हैंड की करूँगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा अभी मिनट की सुई की बात बता रहा हूँ अभी मिनट की सुई की बात मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे फ्यूचर आई ऑफिसर इसलिए आप सभी लोग ध्यान से आराम से सॉल्व करिएगा आराम से वेरी इज वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी वेरी ओके बहुत अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स 114 आंसर दे रहे हैं कुछ 104 भी दे रहे हैं हर हर महादेव वेरी गुड कमान 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 देखो आप देखो तीन बजकर दस मिनट हो रहे हैं और तीन बजकर उनतीस मिनट में आपको मिनट के बीच में कितने का गैप है मिनट के बीच में कितने का गैप है बिल्कुल जीरो लेवल से आराम से पढ़ो सर उन्नीस मिनट का गैप है और आपको पता है एक मिनट में एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनता है तो 19 मिनट में 19 इंटू सिक्स करेंगे तो 114 डिग्री का एंगल बनेगा बहुत सही वेरी गुड कमान 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 बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा सर 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 बहुत सर आपको हमारे कमेंट्स भाई मिलते हैं राकेश सर सबका मिलता है अगर सबका कमेंट ही देखता रह जाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब आप समझते हैं निमार डोको लो, लो, लो देखो चार बजकर पंद्रह ए एम से लेकर के है ना छः बजकर बीस ए एम तक बताओ टोटल कितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस होगा अब ध्यान से चार बजकर पंद्रह ए एम से लेकर के छः बजकर बीस ए एम तक बताओ कितना एंगुलर डिस्टेंस होगा हाउ मैनी एंगुलर डिस्टेंस में आपसे ये एंगुलर डिस्टेंस का मतलब एक दूरी हुआ एक दूरी हुआ कोणीय दूरी पूछा जा रहा है वेरी गुड वेरी गुड कमान कौन आराम से सोचिए यू हैव टू बी थिंक अबाउट दीज क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड्स वेरी सिम्पल ऑनेस्टली यस कमान 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 मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ऐसे ही सोचिए आराम से सोचना देखो यहाँ पर मैंने आर्ट्स दे दिया उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर मैंने यहाँ पर आर्ट्स दे दिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है ना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए सुनिए मैं बताता हूँ सर दस मिनट होगा कुछ लोग सोच कुछ लोग घबरा रहे हैं सुनो मेरे बच्चे सबसे पहले आपको मिनट की सुई की बात की जा रही है ना देखो चार बजकर पंद्रह छः बजकर बीस क्या आप कह सकते हो कि सर दो घंटा पाँच मिनट का अंतर आ रहा है टू आवर्स फाइव मिनट का डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल आराम से देखिए क्या आप कह सकते हैं कि सर टू आवर्स फाइव मिनट का डिफरेंस आ रहा है यस या नो टू आवर्स फाइव मिनट का डिफरेंस आ रहा है <coughs> तो अगर टू आवर्स फाइव मिनट्स का आ रहा है तो अब आप देखो तो आपको पता है आपको पता है आपको टू आर्स में कितने मिनट होते हैं टू आर्स में 120 मिनट होते हैं मेरे भाई वन आर में आपके 60 मिनट होते हैं 60 मिनट तो टू आर्स में 120 मिनट और प्लस में ये फाइव मिनट तो 120 ट्वेंटी प्लस फाइव कितना होगा 125 मिनट और एक मिनट में आपको पता है कि एक मिनट में छः डिग्री के अंगल बनता है तो 125 ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स करेंगे तो ये आएगा आपका साढ़े सात सौ डिग्री आंसर क्या आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अभी मैं मिनट हैंड की बात बता रहा हूँ अभी मिनट हैंड की बात बता रहा हूँ क्या किसी को कोई डाउट है इफ़ एनी वन हैज डाउट्स राइट इन द कमेंट सेक्शन एस पी सा इफ़ यू डोंट हैव डाउट्स इन राइट इन द कमेंट सेक्शन एस के एस टेन वेरी गुड प्राची वंदना शर्मा सिंह इंसका वेरी गुड कमॉन सी के चांद वेरी गुड वेरी गुड कमान कमॉन कमौन कमान 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 नो डाउट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक लास्ट पूछता हूँ आपसे इसमें आराम से मिनट हैंड की बात ठीक है ना नौ कर ध्यान से 58 एट पी एम से लेकर के ठीक है ना दस बजकर बत्तीस पी एम तक बताओ कितने आप अगर क्लास को अटेंड कर लोगे ना तो अगर आप घर पर नहीं भी प्रैक्टिस करोगे और इस क्लास को जैसे आपका क्लाक हो गया डाइस हो गया कैलेंडर हो गया रीजनिंग के मैं जितना भी टॉपिक आपको करा दूंगा यूट्यूब पे ठीक है ना अगर आप इतना कर लोगे और आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो इसलिए प्लीज डोंट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाई वेरी गुड कमान कमान सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन में, में टेलीग्राम का लिंक दिया है ठीक है ना या आप मुझे प्रोफाइल पे फॉलो कर लीजिए ना अकेडमी का लर्निंग ऐप पे ठीक है ना कोई बच्चा के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट पूछ सकता है तो यू कैन सी हेट द टेलीग्राम लिंक आप देख सकते हैं कमान 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 आप सभी को आज यूट्यूब पे एक वीडियो देखनी है यूट्यूब पे एक वीडियो देखनी है ये वाली यस यू कैन क्रैक आई आईपीएस एस आई पी एस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट बाय संजय कुमार शाह अनअकेडमी और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है स्क्रीन शॉट ले लो लेट्स क्रैक यूपीएस विद संजय कुमार शाह बहुत सही सभी का सही आंसर देखता हूँ क्या आंसर आएगा है ना देखो मेरे प्यारे बच्चे देखो नौ बजकर फिफ्टी फिफ्टी एट हो रहा है तो इधर आपका टू मिनट हुआ तभी तो दस बज जाएंगे इधर होगा आपका थर्टी टू मिनट थर्टी टू मिनट अगर ये आपका थर्टी टू प्लस टू कितना आएगा थर्टी फोर मिनट और आपको ये पता है कि सर एक मिनट में छः डिग्री का एंगल बनता है तो थर्टी फोर इंटू अगर आप सिक्स करेंगे तो तीन छक्के अट्ठारह एक सौ वन एट्टी प्लस ट्वेंटी टू हंड्रेड फोर डिग्री का एंगल बनेगा यस अब मुझे लग रहा है कि सर आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है अब आप लोगों को लग रहा है इम्प्रूवमेंट आया कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कॉन्फिडेंट आ गया राइट इन द कमेंट सेक्शन जिसको कॉन्फिडेंट आ गया एस के एस टैन जिसको कॉन्फिडेंट नहीं आया अभी भी वो आप मुझे एस पी शाह कोर्ट का रिप्लाई करिएगा एस पी शाह कोर्ट का आप हमें रिप्लाई करिएगा यस yes। जिसको कॉन्फिडेंट हो गया वो मुझे एस के एस टैन कोर्ट का रिप्लाई करें इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एस पी शाह वेरी गुड कमाल बहुत सही वेरी गुड वेरी गुड क्लियर ओके अब आप नेक्स्ट हैंड लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग आवर हैंड नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए घंटे की सी सर प्लस की क्लास मेरे भाई अन अकेडमी पर किसी भी सर की प्लस की क्लास ज्वाइन कर सकते हो कोई भी आप ये रेफरल कोड आप देख रहे हो नीचे एस के एसटैंड है नीचे देखिए नीचे एस के एसटैंड है अगर आप इस कोड को यूज करके जोड़ोगे तो आपको डिस्काउंट होगा और देन आई विल गाइड यू पर्सनली कि हाउ यू कैन रीड हाउ यू कैन रिवाइज वॉट इज द मीन कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो यू कैन कनेक्ट विथ मी ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डायरेक्टली पर्सनली आपसे मेरे से बात होगी ठीक है हमें अनकैडमी किसी भी कोई भी किसी भी कोर्सेस में आप ले सकते हो एडमिशन है ना नेक्स्ट आप लिखिए आवर एंड आवर एंड आवर एंड का मतलब घंटे की सुई आवर एंड की मतलब घंटे की सुई नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग घंटे की सुई हमने मिनट एंड पढ़ लिया अब हम लोग आवर एंड पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए सभी लोग रेडी हैं क्या आप सभी लोग रेडी है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए देखिए नेक्स्ट लिखें नेक्स्ट लिखें घंटे की, की सुई के द्वारा घंटे की सुई के द्वारा सुई के द्वारा ग्यारह बजकर पैंतालीस एम से लेकर से ए से लेकर बारह बजकर पंद्रह पी एम तक पी एम तक कोणीय दूरी क्या होगी कोणीय दूरी क्या होगी कोणीय दूरी क्या होगी ध्यान से कोणीय दूरी क्या? हिंदी थोड़ी सी मेरी गलती हो सकती है ठीक है इंग्लिश में बोल रहा हूँ लिखिए क्या होगी ये आवर एंड की बात है या आपका घंटे की सुई की बात है, इसको ध्यान से रखिएगा घंटे की सुई की बात है मेरे प्यारे बच्चे ठीक है ना घंटे की सुई की बात है ठीक है ना ध्यान रखिए क्वेश्चन लिखिए फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड बाय आवर एंड कवर्ड बाय आवर एंड फ्रॉम 11:45 फोर्टी फाइव ए एम फ्रॉम इलेवन फोर्टी फाइव ए एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम ठीक है अब मुझे बताओ अब मुझे आप बताओ हुँ हुँ। बिल्कुल प्रदीप पाल बिल्कुल बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं बट कुछ अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं सुनिए मेरे प्यारे बच्चे सुनिए अगर ये घंटे की सुई की बात हो रही है तो आप मुझे बताओ कितने घंटे हो रहे हैं इसके और इसके बीच में देखिए सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था कि देखो 12 घंटे में 360 डिग्री का होता है तो एक घंटे में कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा और यहाँ पे एक मिनट में कितना होगा आपका हाफ डिग्री होगा ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए देखिए ग्यारह पैंतालीस एम से लेकर के ध्यान से देखो इलेवन फोर्टी फाइव ए एम से लेकर के बारह बजकर पंद्रह पी एम तक बारह बजकर पंद्रह पी एम तक इसके बीच में इसके बीच में ग्यारह पैंतालीस हो गया पंद्रह मिनट के बाद बारह बज जाएंगे इधर पंद्रह टोटल तीस मिनट का गैप आ रहा है और एक मिनट में घंटे की सुई के द्वारा एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनता है हाफ डिग्री का घंटे की सुई के द्वारा एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनता है कौन सा कोण बनता है हाफ डिग्री का कोण बनता है क्लियर तो इसका मतलब तीस मिनट का अगर आप हाफ कर दोगे तो ये कितना आएगा ये आएगा, आएगा आपका पंद्रह यानी कि पंद्रह डिग्री का कोण बनेगा मुझे नहीं लगता किसी बच्चों पर मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको मिनट हैंड आवर हैंड सेकेंड हैंड अगर ये क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है सुरभि गोल्डी गुप्ता कमान कमान प्रजापति स्मार्ट क्लियर एजिट क्लियर सोनिया वनखरे क्लियर कमान 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 यस 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 सर वेरी गुड सर सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाते हैं रक्षा शर्मा सब्जेक्ट जो इन अगर मैं बोलूँ कि मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो भी पढ़ोगे क्या मेरे से हैं मैं मैबोरी कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ इकोनॉमी भी पढ़ाता हूँ सी साइड भी पढ़ाता हूँ साइंस टेक भी पढ़ाता हूँ ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ तो क्या आप मेरे से पढ़ोगे नहीं ये यू पी है ये यू पी एस सी है मेरे बच्चे यू पी एस सी है यू पी एस सी के आपको एग्जाम के नेचर को समझना होगा वरना ऐसे ही आपकी उम्र भी निकल जाएगी अटेम्प्ट भी खत्म हो जाओगे लास्ट में घर वालों की बातों के सिवा दोस्तों यारी के ताने के सिवा रिश्तेदारों के तानों के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है इसलिए अभी भी ये टाइम है हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को ढूंढो क्या मैंने कमेंट किया आपको बताओ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ना कमेंट और कमेंट वो। जो भी आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट लगता है चाहे लगता है कि आपके आपके ऑप्शनल का सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये है इनसे पढ़िए आपको लगता है करंट अफेयर का एक्सपर्ट इनसे पढ़िए हिस्ट्री का एक्सपर्ट इनसे पढ़िए ज्योग्राफी का एक्सपर्ट ये है इनसे पढ़िए पॉलिटी का एक्सपर्ट इनसे पढ़िए इंग्लिश का एक्सपर्ट इनसे पढ़िए सी सैड का एक्सपर्ट इनसे इनसे पढ़िए जो भी आपका एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट से पढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा अगर टाइम लगेगा भी तो आप सही जगह पहुंचोगे क्यों ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना मैं बार बार कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा जो इंसान जो इंसान अगर मान लो कोई भी मान अगर मान लो कि कोई भी मान लो चलो जो आँखों का डॉक्टर है क्या वो पेट का डॉक्टर बन सकता है नहीं ना समझ मारिक नहीं है ना मान लो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है क्या कार्डियोलॉजिस्ट क्या आपके दिमाग का ब्रेन का इलाज कर सकता है क्या वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है नहीं बन सकता है ना है ना हर चीज़ जैसे डॉक्टर के अलग अलग अपना एक्सपर्टाइजेशन का खुद से सोचो ना अगर मान लो अगर अगर मान मान लो किसी इंसान को मान लो पेट में इन्फेक्शन हो गया है है ना मान लो किसी इंसान को मान लो किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको है ना तो वो दांत के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा भाई एक्सपर्ट के पास जाओगे है ना क्यों क्योंकि मन में आपको वो है इसलिए आप अपने एक्सपर्ट के पास हमेशा जाइए अच्छे तरीके से समझ में आ रही नहीं है ना तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से ठीक है नेक्स्ट देखिए अब ध्यान से देखो फिर से अभी आवर एंड की बात चलेगी है ना आवर एंड की बात चलेगी इसी में आपको बताना है सोच के आंसर ठीक है ना नेक्स्ट देखो मान लो अभी देखो घड़ी में चार बजकर चौंतीस मिनट हो रहे हैं फोर थर्टी फाइव फोर थर्टी फोर पी हो रहे से लेकर के आपको सेवन फोर्टी पी तक आपको बताना है कि कितने डिग्री का कौन बनेगा कितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस होगा बाई आवर एंड बाई आवर एंड घंटे की सुई के द्वारा ये मुझे बताइए भाई आज के टाइम में अवेलेबिलिटी है तो एक्सपर्ट से पढ़ो ना हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है टाइम लाएगा आपको जरूर लेकिन आपको बेनिफिट होगा कमान 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 फँसए नहीं फंसोगे नहीं फंसोगे नहीं सुनो 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 आप आराम से सोचो अभी आराम से सोचो आप पहले आराम से सोचो मेरे प्यारे बच्चे ये जो 4:34 थर्टी पी एम है और ये 7:40 फोर्टी पी एम है आप इसके बीच में गैप देखो कितने का है देखो यहाँ से यहाँ अगर लोगे तो आपको क्या मिलेगा तीन घंटे चार चौंतीस से लेकर के सात चौंतीस तक जाओगे तो तीन घंटे तीन घंटे प्लस में आपको छः मिनट होगा यस ये नो भाई? 434, 434. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड देखिए ये तीन घंटे एक आपको पता है कि एक घंटे में मिनट के सुई के द्वारा तीस डिग्री का एंगल बनता है तो तीन घंटे में तीन गुना तीस हो जाएगा प्लस 6 मिनट आपको पता है कि एक मिनट में हाफ़ डिग्री का एंगल बनेगा तो छः मिनट में छः का हाफ़ करेंगे तो तीन डिग्री तो ये होगा तीस तिया नब्बे प्लस में तीन ये आपका कितना होगा 93 डिग्री का आपको कौन बनेगा 93 डिग्री का आपको क्या बनेगा आपका कौन बनेगा अब आई होप मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ठीक है ना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा मुझे अब ऐसा लग रहा है ठीक है ना या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो देखो ऐसे भी कर सकते हो तो तीन घंटे में कितना होता है एक और 180 सौ अस्सी और प्लस छः कितना आएगा 186 मिनट 186 मिनट का भी अगर आप हाफ़ करोगे इसका अगर हाफ करोगे तो भी आपका 93 यानी कैसे भी करो आंसर के ऊपर आपका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला आंसर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला यस या नो यस या नो मुझे लग रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आराम से समझोगे तभी समझ में आएगा अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है वीडियो को दो तीन बार देख लेना ठीक है ना है ना से दो बजकर बयालीस ए एम तक बयालीस पी एम तक सॉरी बयालीस पी एम तक अब मुझे बताओ दस बजकर छत्तीस एम से लेकर के दो बजकर बयालीस पी एम तक कितने आ, कितना आपका जो है ना वो आंसर आएगा क्या आपका टाइम होगा ये मुझे बताइए एक सेकेंड जरा मुझे इसको चलिए ठीक है कम ऑन अब बताइए 123 अब मुझे लग रहा है कि सर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है ना अब तो कर लोगे अब क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से अब कर लोगे सॉल्व अब कर लोगे ना सॉल्व कृष्णा शोनकर छः मिनट कैसे आया सर ओ माय गॉड हरीश पांडे मेरे बच्चे एक पीछे देखो फिर से. ये कह रहे कि सर छः मिनट कैसे आया आप फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चे फिर से देखो ये कैसे आया देखो सुनो ध्यान से समझो नहीं आया इसमें देखो अगर आप ये चार चौंतीस लोगे ठीक है फिर आप लोगे पाँच चौंतीस सिक्स थर्टी फोर फिर आप लोगे सेवन थर्टी फोर यस ये नो एट थर्टी फोर तो ले नहीं सकते क्योंकि सेवन फोर्टी तक ही दिया हुआ है देखो यहाँ से यहाँ तक एक घंटा फिर यहाँ से यहाँ तक दो घंटा फिर यहाँ से यहाँ तक तीन घंटा तो ये हो गया आपका तीन घंटा सात चौंतीस तक तीन घंटे हैं और चौंतीस नहीं यहाँ पे चालीस है चौंतीस से छः मिनट एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने ये प्लस का छः मिनट लिया अब आई बात समझ में अब आ गई बात समझ में या नो चलो ठीक है ओके नेक्स्ट देखो दस बजकर छत्तीस ए एम से लेकर के दो बजकर बयालीस पी एम तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा कितने डिग्री का एंगल होगा ठीक है अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे देखो दस बजकर छत्तीस ए एम है है से लेकर के दो बजकर बयालीस पी तक है ना जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक आपका चार घंटे का इंतज़ार है चार घंटे का दस और चार चौदह होंगे है ना तो चार तो छत्तीस है प्लस में छः मिनट और होगा आपका एक्स्ट्रा है तो ये कितना आएगा तीस चौक कितना आएगा एक सौ बीस भाई एक घंटे में तीस डिग्री का एंगल बनता है ना तो आप तीस से गुना कर दो और छः मिनट का आप हाफ़ कर दो है ना तो ये आएगा तीन तो ये कितना आएगा आपका एक सौ तेईस डिग्री का आंसर आएगा एक तो ये है अप्रोच दूसरा अप्रोच ये है कि आपको पता है कि एक घंटे में साठ मिनट होते हैं है ना वन आवर्स में सिक्सटी मिनट होते हैं तो चार घंटे में साठ गुना चार प्लस में ये आपका छः ये आएगा आपका दो सौ चालीस प्लस छः ये आएगा आपका दो सौ छियालीस बराबर यानी कि एक सौ तेईस तो डिग्री आपका एंगल आएगा आंसर अब नहीं मुझे लगता है कि आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट्स को ये अप्रोच मस्त है अब नहीं मुझे लगता है आप लोग किसी स्टूडेंट्स को कोई भी ट्रिक आपको फॉलो करने की ज़रूरत है कुछ भी आपको कोई फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत है क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया अब आपकी शुरुआत होती है अब अब आपका मेन एक्सप्लेनेशन और शुरुआत होती है क्लियर है क्या आपको इतनी पॉइंट आ गई बात समझ में यस या नो यस या नो राइट इन द कमेंट सेक्शन चलिए अगर सभी को समझ में आ गया तो बताएं देखो अगर आप ध्यान से समझोगे ना टाइम देना पड़ेगा पेशेंस देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा ठीक है एक ही क्लास में ख़त्म हो सकता था लेकिन मेरी क्लास अभी अपना इंग्लिश चैनल पे मेरे टेलीग्राम पे जो बच्चा नहीं है अभी तुरंत सर्च करो टेलीग्राम पे ये देखो लेट्स क्रैक यूपीएससी विद संजय कुमार शाह आप ऐसे ही सर्च करेंगे बीच में कोई गैप नहीं आप ऐसे ही तो आपको मिल जाएगा मेरे कोई बच्चा अगर कोई हो यूट्यूब पर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो टेलीग्राम का लिंक बच्चा लोग कॉपी कर लेना उसको ठीक है ना ऐसे ही ठीक है ना अभी छः बजे वहाँ पे डाइस की क्लास होगी और हमें भी नहीं पता वो क्लास थोड़ा सा हो सकता है कि पंद्रह से बीस मिनट लेट स्टार्ट हो मे बी साढ़े छः बजे तक लेकिन कब खत्म होगी इसकी गारंटी मुझे भी नहीं है ठीक है ना वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर लंबी क्लास चलती रहेगी चलती रहेगी डाइस में किसको किसको प्रॉब्लम है डाइस देख लीजिएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी डाइस 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 ठीक है ना सभी हो ना टेलीग्राम पे चली है ना हाँ चलिए ठीक है नेक्स्ट लिखिए अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए टू फाइंड द एंगल बिटवीन नेक्स्ट लिखिए टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड आवर हैंड है ना मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण ये लो लिख देता तो, हूँ मिनट के के सुई मिनट की सुई होती है ना और घंटे की सुई के बीच का कोण मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्लियर है एजिट क्लियर एजिट क्लियर चलिए वेरी गुड हो 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 भाई क्लासेस यूट्यूब पे ही होगी टेलीग्राम पे कहीं क्लासेस होती है क्या क्लासेस टेलीग्राम पे होती है क्या क्लासेस टेलीग्राम पे नहीं होती मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब पे ही होती है ठीक है है ना क्लासेस यूट्यूब पे ही होगी इसलिए अब ध्यान रखना ठीक है ना यूट्यूब पे ही होगी क्लासेस तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो समझ में नहीं आ रहे सच में समझ में नहीं आ रहे है। ठीक है समझ में नहीं आ रहे अब सुनो ध्यान से मिनट किसी और घंटे किसी अब देखो मैं आपको आपको मैं समझाता हूँ कि ये मान लो छः बजकर पंद्रह मिनट हो रहे हैं बजकर पंद्रह मिनट ध्यान से देखना छः बजकर पंद्रह मिनट हो रहा है तो आपको ऐसे में पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा कितने डिग्री का कौन बनेगा ये आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि छः बजकर पंद्रह मिनट में कितने डिग्री का कौन बनेगा जरा कोई सोच के बता सकता है क्या आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स आंसर इसका बता सकता है हाँ ये बच्चा बहक गया है सही वाले सर आपका टेलीग्राम लिंक दे दीजिए एक बार भाई रक्षा शर्मा बार बार कह रहा हूँ ये टेलीग्राम का लिंक है स्क्रीन ले लो ये वाला लिंक सर्च करना एल ई टी एस लेट्स क्रैक यू पी एस सी विध संजय कुमार सर जैसे लिखा है वैसे लिख के सर्च करना है ना ये यहाँ स्क्रीन शॉट ले लो ये टेलीग्राम का लिंक है कितना होगा कोई बच्चा बता सकता है छः बजकर पंद्रह मिनट के पीछे घंटे और मिनट के व्यूचर कितने देरी का कौन बनेगा कमेंट्स में कमेंट बताओ <Cornell> सबका आंसर गलत है सबका आंसर गलत है सबका आंसर गलत है सबका आंसर गलत है सभी का किसी का भी आंसर सही नहीं है जिगर आपका भी गलत है फॉर्मूला नहीं लगाना आपने बुक में आपने फार्मूला देखा होगा बुक में फार्मूला होता है मेरे को याद नहीं है शायद ये फार्मूला होता है क्या इलेवन बाई टू एम माइनस का थर्टी एच ये होता है फार्मूला ना यही होता है ना बट यू डोंट हैव टू बी यूज एनी काइंड ऑफ फार्मूला आपको मेरे क्लास में एक भी फार्मूला नहीं यूज करना है एक भी नहीं बिना फार्मूले से पढ़ना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ छः बजकर पंद्रह मिनट कैसे होंगे ये देखिए सभी लोग देखिए छः बजकर पंद्रह मिनट कैसे होंगे ये देखिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये देखिए वही डाइस की जो क्लास है यूट्यूब पे मेरी डाइस की जो क्लास है ये देखो छः बजकर पंद्रह मिनट देखो आपको दिख रहा है छः बजकर पंद्रह मिनट ध्यान से देखो ऐसे फिगर बनाओ आप लोग अपने अपने नोटबुक में देखो दिख रहा है सभी को सभी को दिख रहा है फिगर बनाओ फटाफट फटाफट फिगर बनाओ डाउट आराम से लॉजिकल तरीके से पढ़िए लॉजिकल तरीके से पढ़िए फटाफट नोट डाउन फटाफट नोट डाउन फटाफट नो घड़ी बनाओ तो नहीं तो मिनट किसी इसको आगे कर देगा फटाफट बनाओ बना लिया घड़ी बनाओ धोखा हो गया सर सुनो अब सुनो ध्यान से देखो पहली बात अगर आप छह बजकर पंद्रह मिनट करोगे तो ध्यान से देखो घड़ी में इधर देखो सभी लोग ध्यान से अरे यार लो 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 ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए ध्यान से ध्यान इधर देखो देखो छ बजकर पंद्रह मिनट ये जो मिनट की सुई है मिनट की सुई है मिनट की सुई है छ बजकर पंद्रह मिनट इस यहाँ से तीन और पाँच छः के बीच में कितने मिनट का गैप है कितने मिनट की गैप है मिनट वाले सुई के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने मिनट का गैप है देखिए यहाँ से पाँच पाँच दस और पाँच पंद्रह पंद्रह मिनट का गैप है ना तीन और छः के बीच में पंद्रह मिनट का गैप है घंटे और मिनट के सुई के बीच बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच घंटा ये छः है मिनट ये है तो इस मिनट और सुई के बीच में कितने का अंतर है यहाँ से यहाँ तक फाइव यहाँ से यहाँ तक पांच यहाँ था एक घंटे एक के बीच में पांच मिनट का फासला होता है पता है ना सभी को एक घंटे इसके बीच में पांच पाँच मिनट का फासन आ रहा है जरा पापा का। एक सेकंड जरा फोन आ रहा है पापा का तो फाइव मिनट्स का डिफरेंस है फाइव मिनट डिफरेंस है हाँ पापा हाँ जी अभी क्या बात है मैं अभी क्लास में था बताइए ठीक है ठीक है देखो पंद्रह मिनट का गैप है फिफ्टीन मिनट का गैप है फिफ्टीन मिनट का देखो अगर और आपको पता है मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में बनाया कितने डिग्री डिग्रे मिनट की सुई तो मिनट की सुई तो अगर ये सुफ्टीन मिनट का गैप है अरे भाई माफ़ करिएगा माफ़ करिएगा मिनट की सुई तो एक मिनट में आपको पता है कि छः डिग्री का एंगल बनता है छः डिग्री का तो पंद्रह मिनट में कितना होगा एक पंद्रह मिनट में कितना होगा पंद्रह गुना छः कितना होगा नाइन्टी डिग्री का कौन बनेगा यस या नो या नाइन्टी डिग्री का कौन अरे भाई इसका ट्रिक बता दूंगा एस एस एम फंडा पहले समझो समझोगे या डायरेक्ट मैं एस एस एम फंडा बता दो ये बता दो डायरेक्ट एस एस एम फंडा बता दूँ क्या अगर समझो अगर समझ के करोगे तो कभी और दिक्कत नहीं एस एस एम फंडा करोगे वो भी बहुत अच्छा है उससे तो कोई भी क्वेश्चन और नहीं गलत होगा अगर आप एस एस एम फंडा चाहोगे तो मुझे कमेंट करो एस एस एम फंडा मैं बता दूंगा ठीक है ना अब देखो अब देखो ध्यान से पंद्रह मिनट की वजह 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 से छः पे जो सुई है घंटे वाली सुई घंटे वाली जो सुई है मेरे प्यारे बच्चे जो आपका घंटे वाला जो सुई है घंटे वाला जो सुई है आप ये देखो ये थोड़ा आगे है या नहीं है क्या घंटे वाले सुई थोड़ा आगे है घंटे वाली सुई क्या छः से थोड़ा आगे है एस एस एम फंडा बता दूँ घंटे वाला सुई क्या थोड़ा आगे है यस या नो घंटे वाले सुई आगे है भाई तो घंटे वाले सुई क्यों आगे है पंद्रह मिनट होने की वजह से आगे है पंद्रह मिनट होने की वजह से आगे है पंद्रह मिनट होने की वजह से आगे है पंद्रह मिनट होने के वजह से आगे है पंद्रह मिनट होने के वजह से आगे है. है और आपको पता है कि घंटे की सुई के द्वारा एक मिनट में तो हाफ डिग्री होता है तो भाई पंद्रह मिनट में घंटे किसी के, के द्वारा पंद्रह का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा साढ़े सात आएगा साढ़े सात डिग्री भाई आगे है तो नब्बे प्लस साढ़े सात कितना आएगा संतानवे सही वन बाई टू डिग्री आएगा ये आएगा आंसर साढ़े संतानवे डिग्री आएगा आंसर क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है साढ़े संतानवे डिग्री है सन्तानवे दशमलव तो पाँच मेरी बात समझ आ रही है लेकिन चलो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना मैं आपको सीधा एस एस एम फंडा बता देता हूँ अगर आप दिमाग लगा के पढ़ते तो और अच्छा रहता चलो तुम छोड़ो ये सब चीज़ कभी डिटेल कोर्स की बात होगी तो मैं आपको एस एस एम में आपको तो मैं आपको बता देता मैं एस एस एम फंडा आपको बताता हूँ सीधा लिखो आप ए, ट्रिक लिखो ट्रिक क्या मैं आगे मूव करूँ आर यू रेडी फॉर एस एस एम फंडा इफ़ यू आर रेडी मुझे ये ठीक है मैं आपका एस एस एम फंडा लिखो आर यू रेडी फॉर एस एस एम फंडा एस एस एम फंडा से कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आप सभी क्वेश्चन को सही ये लो खत्म क्या बात अभी अभी खत्म नहीं हुई मेरा ड्रीम है कि मैं आप सभी को यहाँ देखना चाहता हूँ ठीक है खूब मेहनत करिए दिन रात एक करिए लगा दीजिए अपनी जान की आर या पार जितना भी टाइम हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो थको मत थकना नहीं है पढ़ते आना नहीं इसलिए मैं बताता हूँ अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से तो आराम से खूब सारी पढ़िए एक सेकंड एक सेकंड ठीक है अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए अब आप लिखिए एस एस एम फंडा नेक्स्ट लिखिए अरे एक सेकंड रुक जरा एक सेकंड मेरे बच्चे वन सेकंड वन सेकंड मैं इसका अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा एक सेकंड रुक जाए जरा है ना मुझे जो है ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए है ना मुझे इसको थोड़ा और आगे करना पड़ेगा ठीक है इसका पेज चाहिए और एक सेकेंड बस कोई भी एंगल चाहिए ना आप इसको ऐसे कर लेना आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा कभी भी गड़बड़ नहीं होगा और कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप कुछ भी निकालो आप बड़े ही आसान तरीके से आप कर लोगे कैसा भी आप निकालो है ना आप बड़े ही आसान तरीके से आप कर लोगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए ठीक है देखिए नेक्स्ट देखिए लिखो एस एस एम फंडा लिखो आप इसको ध्यान से समझिए सबसे पहली बात जो मैं आपको एस एस एम फंडा बताना चाहता हूं आप ध्यान से रखिएगा अच्छे तरीके से रखिएगा माय डियर फ्रेंड ठीक है ना देखिए ध्यान से देखिएगा जो भी आपका जैसे लाक यह है आपका आवर क्या सी? यह है आपका आवर आवर मतलब यह है आपका घंटे और यह है आपका मिनट यह है आपका मिनट यह है आपका मिनट ठीक है मिनट ठीक है ना ध्यान रखिएगा ध्यान से ये आवर हो मिनट ठीक है चाहे अगर आपका आवर में से अगर मिनट का डिफरेंस अगर आपका नेगेटिव रहा अगर आपका नेगेटिव रहा तो आपको क्या करना है माइनस तो आपको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है मिनट का हाफ करके अभी आपको नहीं समझ में एग्जाम्पल दूंगा तब आवर में से अगर आपने मिनट को अगर आपने किया अगर ये आपका पॉजिटिव रहा ठीक है ना अगर आपका पॉजिटिव रहा तो आपको क्या करना है प्लस करना है मिनट बाय टू मिनट बाय टू आपको प्लस करना है अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बेहतर तरीके से जब आपको दे पाऊंगा जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये देखो सुनो ध्यान से जैसे मान लो कि छः बजकर पंद्रह मिनट था छः बजकर पंद्रह मिनट था यस या नो भाई जब छः बजेंगे जब छः बजेगा तो सुई किस पर होगी सुई तो आपका छः पे ही होना चाहिए छः बजने का मतलब आपकी जो सुई होगी वो छः पे होगी अच्छा पंद्रह मिनट का मतलब सुई किस पर होती है अगर आप कहते हो कि सर पंद्रह मिनट हो रहा है तो पंद्रह मिनट का तो मतलब सुई किस पर होगी ये मुझे बताओ पंद्रह मिनट का मतलब सुई किस पर होगी ये आप मुझे बताइए कमान अगर मैं पंद्रह मिनट की बात की जाए तो सुई किस पर होगी ये आप मुझे बताइए कमान 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 पंद्रह मिनट का सुई किस हो पे होगी ठीक है फटाफट मुझे बताइए बिल्कुल तीन पे होगी बिल्कुल अगर ये तीन पे हुई तो देखो ट्रिक देखो ध्यान से ट्रिक देखो ध्यान से ये हर एक जगह आपको अप्लाई होगा सिक्स में से आप थ्री को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका थ्री इतना क्लियर है सबको थ्री आया क्लियर अब जो भी माइनस करने के बाद आएगा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो थर्टी से थ्री इंटू थर्टी करोगे कितना आएगा आपका नाइन्टी आएगा क्लियर अच्छा ये जो थ्री है थर्टी से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है जो भी माइनस करके आएगा उसको आप थर्टी से मल्टीप्लाई कीजिए हर हाल में थर्टी से मल्टीप्लाई आप उसको कीजिए ठीक है ना अब ये तीन आपका पॉजिटिव है तीन आपका पॉजिटिव है तो ये मिनट है ना पंद्रह पंद्रह का हाफ करो इसका हाफ़ करो कितना आएगा साढ़े सात इसमें साढ़े सात जो है ना आप प्लस कर दो पॉजिटिव आया तो प्लस कर दो तो ये आपका आएगा नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव आराम से देखो नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव फिर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको फिर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे देखो तीन बजकर मान लो तीस मिनट है तीन बजकर तीस मिनट है तो तीन बजेगा इसका मतलब पहले इसको नोट डाउन करो आराम से है ना फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा आराम से ना घबराना मत घबराना नहीं आराम से समझिए घबराइए मत आराम से समझिए ठीक है देखो जिगर देखो तीन पे हो तो जब तीस हो तो सुई किस पर होगी सुई होगी सर सिक्स पे होगी तीस मिनट की बात होती है तो सुई किस पर होती है तीस पर होती है सुई किस पर होती है आपकी छः पे होती है सॉरी छः पे अगर आप करो इस तीन में से छः को माइनस करो तो कितना आएगा ये आएगा आपका तीन कितना आएगा ये आएगा आपका माइनस का तीन अब क्या करना फिर से आपको तीस से मल्टीप्लाई करना है तो तीस दिया कितना आएगा आपका नाइन्टी अगर ये माइनस आ गया तो मिनट का हाफ करो मिनट का हाफ करोगे कितना आएगा पंद्रह इसमें से आप पंद्रह को माइनस कर दो आंसर आएगा आपका सेवेंटी फाइव डिग्री आराम से समझिए आराम से कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया इफ यू आर अंडरस्टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एस के एस टैन अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एस के एस टैन ताकि मुझे ऐसा फील हो सके कि डेफिनेटली यू ऑल आर अंडस्टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स गुरुदेव एक बार फिर से बताइए समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से बताऊँ एक बार कभी दस एक्जाम्पल दूंगा टेंशन मत लो इसको नोट डाउन करो नोट डाउन जब आप क्योंकि एंगल का क्वेश्चन कभी भी आए ना कभी भी, भी आए ना तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे किसी भी एग्ज़ाम में आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए हाँ हाँ अगर सर 20 मिनट्स पर हो तो भैया सब बता रहा हूँ हीरा लाल तुम्हारा एग्जाम्पल दूंगा लो तुम बोल रहे हो सर 20 मिनट पर हो तो वही दे देता हूँ ये लो हो गया नोट डाउन कर लो ये देखो 20 मिनट हो मान लो मान लो कि अभी टाइम हो रहा है पाँच बजकर आपका 20 मिनट ये लो पाँच बजकर आपका हो रहा है इधर बीस मिनट ठीक है ना और इधर मान लो कि इधर होला टाइम हो रहा है दस बजकर बीस मिनट देखो पाँच बजकर दस मिनट होगा इसका मतलब घंटे की सुई पाँच पे ही होगी बीस मिनट का मतलब है कि घंटे की सुई घंटे की मिनट की सुई चार पर होगी यस या नो पाँच में से चार करोगे तो एक आएगा एक को अगर आप तीस से गुना करोगे तो ये आपका तीस आएगा भाई बुक में फॉर्मूला लिखा होता है बुक में फार्मूला आप उस फार्मूला से करोगे तब भी यही आंसर आएगा लेकिन मैं कभी भी बच्चों को सलाह नहीं देता हूँ कि आप फार्मूला यूज किया करो है ना कभी भी मत यूज किया करो फार्मूला है ना अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको आ जाएगा समझ में ठीक है देखिए तीस अब ये एक पॉजिटिव आया तो बीस का हाफ करोगे कितना आएगा बीस का हाफ़ करोगे दस तो इसमें दस को आप प्लस कर दो तीस प्लस दस कितना आएगा आपका चालीस डिग्री आएगा आंसर ठीक है अब देखो इसमें देखो दस का मतलब है कि घंटे की सुई दस पर होगी बीस मिनट का मतलब मिनट की सुई आपके चार पर होगी दस में से चार गया छः छः को तीस से गुना करोगे तीस छः कितना आएगा एक सौ अस्सी और इस बीस का आधा करोगे दस ये पॉजिटिव है तो प्लस कर दो एक सौ नब्बे आएगा आंसर आ गई बात समझ में हुँ, हुँ, हुँ। सर पॉजिटिव में कन्फ्यूजन हो रहे हो माई oh गॉड पॉजिटिव निगेटिव में करने की जरूरत ही नहीं था मेरे बच्चे पांच में से चार गया तो एक होता है ना दस में से चार गया तो छः पॉजिटिव है जब नहीं घटेगा तो नेगेटिव होता है जब कोई भी चीज नहीं घटती है नहीं माइनस होती है तब तो वो नेगेटिव में जाता है दैट इड द सिंपल पॉइंट क्लियर हाँ तीस हर जगह अप्लाई होगा तीस जो है ना हर ही जगह हर सभी जगह अप्लाई होगा ठीक है तीस जो है ना हर जगह अप्लाई होगा ठीक है ना कत ही जहर टेक्निक है ठीक है ना तीस जो है ना आपका हर जगह अप्लाई होगा टेंशन मत लीजिए अरे भैया कुछ भी हो कुछ भी हो आप ध्यान रखिए कुछ भी हो मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ आप जो भी टाइम बोलोगे आप जो बोलोगे टाइम में आप कोई टाइम बोलो आप कोई टाइम बोलो आप कुछ भी टाइम बोलो हर एक टाइम बता दूंगा कुछ भी टाइम बोलो कुछ भी टाइम बताओ हर एक जगह आपका एजी आएगा ठीक है बता, बताओ बताओ क्या टाइम टाइम बताओ कोई भी टाइम बताओ टाइम कमेंट करो फटाफट टाइम कमेंट करो कोई भी बच्चा टाइम कमेंट करो आप टेंशन मत लीजिए आपका सभी कुछ आंसर एक बच्चा कह रहा है बारह बजकर बीस बजकर दस मिनट ग्यारह बजकर बाईस मिनट बस बस रुको 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 चलो बीस बजकर दस मिनट ले जाओ ठीक है ना बीस बजकर दस एक बच्चा कह रहे हो कि ग्यारह बजकर बाईस मिनट ग्यारह बजकर बाईस मिनट सुनो भाई बीस बजे का मतलब है इसका मतलब है कि यह आठ पे होगी सुई बीस का मतलब बारह और आठ बीस आठ पे होगी बीस का मतलब आठ पे होगा ना बीस का मतलब आठ पे ही होगा ठीक है ना एक एक चीज़ ले लूँगा चलो चलो <laughs> एक एक थोड़ा टेंशन मत लो मैं छः बजकर तीस छत्तीस सब ले लूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखो मैं सब ले लूँगा ठीक है ना देखो है ना और दस बजे का मतलब होता है कि दो पर लेना तो भाई आठ में से दो गया तो कितना होगा छः छः को जब आप तीस से करो तो कितना आएगा आपका एक सौ अस्सी और दस का आधा करोगे पाँच एक सौ अस्सी प्लस पाँच एक सौ पिचासी आएगा यस या नो ग्यारह का मतलब क्या होगा ग्यारह का मतलब होता है कि घंटे की सुई आपकी ग्यारह पर होगी बाईस मिनट का मतलब होगा कि इसकी सुई बाईस दूनी चौवालीस चार दशमलव चार पे होगी भाई चार दशमलव चार होगा ना बाईस मिनट का मतलब कितना होता है सुनो अगर यहाँ पे दस था तो आपने क्या किया था पाँच से पाँच पाँच मिनट का पाँच से भाग कर दिया था पाँच धूनी दस तो ये दो लिखा यहाँ पे ये यह दो लिखा तो भाई बाईस में भी अगर पाँच से डिवाइड करोगे ना बाईस का पाँच में डिवाइड करोगे तो चार पॉइंट चार होगा इसका ट्रिक चाहिए हो तो बता देना मुझे मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा ठीक है ना मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फोर आया ठीक है ना? ग्यारह में से फोर पॉइंट फोर को माइनस करोगे तो ये आपका आएगा आ, ये आपका आएगा छः चार दस सिक्स पॉइंट सिक्स आएगा कितना आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स आएगा यस या ना छः चार सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स को आप थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा जीरो यह आएगा आपका यह आएगा क्षत्रिक अठारह छत्रिक अठारह क्षत्रिक अठारह और एक उन्नीस यह आएगा आपका 198 आएगा इस 22 का आधा 11 आप यहाँ पे प्लस कर दो तो आठ एक नौ नौ एक दस दो सौ नौ डिग्री आएगा 209 डिग्री होगा आप चेक करो क्लियर क्या आप सभी को समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ टू आएगा ना बेटा वन नाइन्टी ना ये 198 आएगा ना अब बाईस मिनट का आधा करेंगे तो 11 आएगा प्लस करेंगे तो 209 आएगा ठीक है ना सर करेक्ट टाइम पर नहीं होगा एग्जाम्पल भाई तीन बजे पर भी हो जाएगा सिंपल है क्यों नहीं होगा तीन बजे में भी क्यों नहीं होगा भाई तीन का तो मतलब तीन ही आएगा तीन में से जीरो गया तो जीरो हो गया तीन में से मान लो आप तीन का कह लो तीन में जीरो गया, जीरो हो गया तो तीन को थर्टी से करोगे तो नाइन्टी हो जाएगा तो नाइन्टी हो जाएगा ना क्योंकि तीन बजे का मतलब क्या होगा ऐसे बजेगा तभी तो आपका तीन बजेगा ऐसे बजेगा तभी तो तीन होगा यानी नाइन्टी डिग्री को होगा अगर आप तीन बजे का करोगे तो भाई घंटे की सुई आपकी तीन पर होगी जीरो का तो मतलब कहीं पे तो होगा ही नहीं तो तीन में से जीरो होगा तो कितना होगा तीन तीस करोगे कितना आएगा आपका नब्बे आएगा ना जीरो का हाथ करोगे नब्बे डिग्री आएगा जब तीन देखोगे भी घड़ी में तो नब्बे डिग्री का कौन बनेगा देखो नब्बे डिग्री का कौन अब देखो दो सौ नौ डिग्री बनेगा ग्यारह बजकर बाईस मिनट आपको दिखाऊँ तो देखो देखो एक एक चीज़ दिखाता हूँ एक सौ तो पिचासी डिग्री बीस बजकर दस यानी कि आठ बजकर दस मिनट दिखाता हूँ ये लो सारा प्रूफ है मेरे भाई ए टू जेड प्रूफ है ये देखो आठ बजकर मैं आपको दस मिनट दिखा रहा हूँ एक सौ पिचासी ये देखो देखो एक सौ पिचासी दिख, दिख रहा है एक सौ साठ से थोड़ा इधर दिख रहा है एक सौ पिचासी दिख रहा है आठ बजकर दस मिनट पर यही अगर ग्यारह बज बाईस पे देखोगे तो दो सौ नौ डिग्री दिखेगा तीन बजे का देखोगे तो नौ दिखेगा तीन बजे का देखो तो नब्बे डिग्री दिखेगा ये देखो समझने की जरूरत है समझोगे तभी होगा अगर आप नहीं समझोगे तो नहीं होगा अभी डाइस भी पढ़ना है पता है ना आप लोगों को यूट्यूब पे क्या पढ़ना है आप लोगों को डाइस भी पढ़ना है मेरे बच्चे डाइस भी पढ़ना है कुछ भी देखो मैं आपको बताता हूँ -आजा, आजा, आजा, आजा कम 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 ये देखो तीन बजे का मतलब नाइन्टी डिग्री दिख रहा है नाइन्टी डिग्री दिख रहा है आपको मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ टेंशन मत लो मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ देखो दिख रहा है नाइन्टी डिग्री दिख रहा है दिख रहा है तब ये कह रही कि वन नाइनटी एट कैसे है? मेरे भाई सिक्स को आप थर्टी से गुना करो तो वन नाइनटी एट आएगा इतना तो करना आना चाहिए आपको इतना नहीं करोगे बेटा तो कैसे आई बनोगे बताओ कैसे नौकरी लगेगी आपकी यहाँ ये तो चीजें आनी चाहिए ना छोटी छोटी देखो मैं आपको छोटा सा इग्ज देता हूँ मान के चलो कि अभी हमारे पास मान के चलो मैं आप देखो मान के चलो कि इधर है आपका सात बजकर दस मिनट सात बजकर बारह मिनट सात बजकर तेरह मिनट और सात बजकर चौदह मिनट ध्यान से देखना ध्यान से ध्यान देना इसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इधर है आपका सात बजकर पंद्रह मिनट सभी लोग रेडी हो एक एक करके इसको सॉल्व करो आंसर बताओ एक एक करके इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ एक एक करके आराम से सोचो आराम से आराम से संतोष शर्मा मैं बता रहा हूँ फोर कैसे भाई फाइव से डिवाइड करोगे ना ट्वेंटी में अगर आप फाइव से डिवाइड करोगे ना ट्वेंटी में ट्वेंटी में तो फाइव फोर या ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा टू पॉइंट जीरो तो फाइव फोर या ट्वेंटी तो ये आया आपका ट्वेंटी टू फोर इसका ट्रिक है मुझसे पूछ लेना मैं बता दूंगा ट्रिक ये है जैसे बाईस है ना तो बाईस का डबल कर दो तो कितना आएगा चवालीस चवालीस में पॉइंट लगा दो फोर पॉइंट फोर आगे खत्म जैसे ये देखो जैसे ये बारह है तो बारह का आप डबल करोगे कितना आएगा चौबीस आएगा चौबीस में पॉइंट लगा दो तो टू आ जाएगा तेरह है तेरह का डबल करोगे कितना आएगा छब्बीस छब्बीस में बीच में पॉइंट लगा दो टू पॉइंट सिक्स आएगा जब फाइव से डिवाइड करोगे ना टू पॉइंट सिक्स आ जाएगा फोर्टीन है फोर्टी का डबल करो ट्वेंटी है डिवाइड करोगे पॉइंट लगा दो तो खत्म जैसे मान के चलो ये दस ही है भाई दस का डबल करोगे कितना आएगा आपका बीस आएगा ना जरूर तो दो आ जाएगा इसका मतलब है कि सुई किस पे आती है दो पे आती है भाई सुई स्वीकिस सब सब लॉजिकल चीज़ें हैं आप टेंशन मत लीजिए है ना मैं मैथ्स मेडिटेशन क्लास मैंने यूट्यूब पर लिया हुआ है एक क्लास इसका अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे सात तारीख से जो फ्री में, में मेरी स्पेशल क्लास होगी उसको जरूर अटेंड करना फ्री में जो मेरी स्पेशल क्लास होगी उसको जरूर अटेंड करना फ्री में सत्ताईस तारीख से डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया होगा प्रोफाइल जाके आप मुझे फॉलो कर लेना इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो हर हाल में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो हर हाल में ठीक है ना ताकि आपसे ये सेशन कभी भी मिस ना हो है ना पर्सनली इट्स गुड्स बट सर्च ओ मै ठीक है बेटा कोई बात नहीं ओके ओके ठीक है चलिए <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं आने दो आने दो आने दो कोई दिक्कत नहीं सात में आएगा तो सेवन में से टू जगह कितना आएगा फाइव आएगा फाइव को थर्टी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा वन फिफ्टी आएगा अब देखो वन फिफ्टी आया लेकिन फाइव पॉजिटिव है तो दस का आधा कितना आएगा पाँच ये इसका हाफ तो कितना आएगा एक सौ पचास प्लस, प्लस पाँच एक सौ पचपन डिग्री सबका आया 155 डिग्री बिल्कुल ध्यान से फिर इसमें देखो यहाँ पे आएगा आपका सेवन आपका सेवन सेवन में से 2.4 पॉइंट फोर जाएगा कितना आएगा माइनस करोगे इसमें से घटाओ तो कितना आएगा ये आएगा आपका 4.6 आएगा कितना आएगा 4.6 जो आप इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा छह तरीका अठारह चार तिर बारह और तेरह है ना एक आएगा बारह का आधा छः आप ऐड करोगे तो एक आएगा आ रहा है सबका एक सौ चवालीस कितना तो जल्दी जल्दी आ रहा है आंसर कोई टफ है ही नहीं कोई टट कोई टफ आई ही नहीं कोई टफ़ नहीं है मेरे बच्चे आराम से अगर आप देख रहे हो तो आपको सब कुछ आएगा समझ में आराम से ग्यारह मिनट और क्लास चलेगी उसके बाद तो अपन क्लास को बंद कर देंगे ठीक है और आपको अभी कुछ मैं होमवर्क दूंगा ताकि आ, ताकि आप हमें अपने होमवर्क को हमें कल चेक करा सको ठीक है ना हो दूंगा एकदम रेडी रहना सभी लोग ठीक है ना होमवर्क के लिए सभी लोग रेडी रहिए यू ऑल आर रेडी यू ऑल आर रेडी ठीक है ना हो हो हाय क्या बात है क्या बात है ठीक है ध्यान से आराम से समझो आराम सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी चीज़ आपको रटने के लिए तो मैं नहीं कह रहा सब समझने की बात करो और एंगल का टॉपिक आज खत्म हो गया है समझना एंगल से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करना देखना आप कर लोगे सॉल्व सेवन में से टू पॉइंट सिक्स को माइनस करो कितना आएगा ये आएगा आपका फोर पॉइंट फोर आएगा चार दो छः फोर पॉइंट फोर जब आप इसको आप थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा चार तीन बारह चार एक सौ बत्तीस आएगा तेरह का आधा करोगे कितना आएगा साढ़े छः करो कितना आएगा एक सौ अड़तीस दशमलव पाँच एक सौ अड़तीस दशमलव पाँच यस या नो यस yes, या नो यस yes, सर ये वाला भी चीज़ आपका खत्म हो गया सेवन में से टू पॉइंट एट माइनस में कितना आएगा फोर पॉइंट टू आएगा कितना आएगा फोर पॉइंट टू इसको आप थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा दो तीन अच्छे चार एक सौ छब्बीस चौदह का आधा कर कितना आएगा सात ये कितना आएगा आपका एक सौ तैंतीस डिग्री आंसर कितना आएगा एक सौ तैंतीस डिग्री आंसर वन थर्टी थ्री आंसर कितना आएगा आप सभी को वन थर्टी थ्री आंसर ठीक है निगेटिव पॉजिटिव बताइए तुम तो एक काम करो मेरी जान तुम ले लो मेरा प्राण यहीं पर दे दूँ क्या मैं अपना प्राण निगेटिव पॉजिटिव बताइए निगेटिव पॉजिटिव बताइए तुमको घटाव करना नहीं आता क्या मेरे बच्चे बताओ पर तैयारी करूंगा आई ए का बनूंगा कलेक्टर कुछ नहीं 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 एस एस टी बैंकिंग कलक्ट तो मेरे को पसंद ही नहीं मैं चपरासी तो बनना ही नहीं चाहता नहीं नहीं कांस्टेबल तो बनूंगा नहीं एस आई भी नहीं बनूंगा डी एस पी भी नहीं बनूंगा कलेक्टर और आता बहन को पॉजिटिव नेगेटिव महा ढोको लो लियो तुम तुम सोचो ध्यान से सुनो भाई अगर मैं बोलूँ कि तुम दस में से चार घटाओ तुम्हारे पास दस लाख रुपये है चार लाख रुपये तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे दो तो कितना आ जाएगा लाख रुपए बचे ना तो छह लाख रुपए सीधा सीधा हिसाब है सीधा सीधा हिसाब है और तुम्हारे पास मान लो चार लाख रुपये और दस लाख रुपए की जरूरत तुम्हारे हस्बैंड को पड़ी हस्बैंड को पड़ी तो भाई चारे लाख रुपये दस लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो कहाँ से दोगे तो चार लाख में से दस लाख तो जाएगा नहीं इसका मतलब तुमको माइनस का छः आ गया इसका मतलब माइनस का छ ये माइनस है तुम छह लाख का तुम्हारे अंदर कर्ज हो गया क्या क्या करते इसको कहते हैं नेगेटिव जो ना घटे उसको नेगेटिव जो घट जाए उसको बोलेंगे पॉजिटिव क्या हुआ बेटा क्या आसानी बोलो क्या चाहिए क्या चाहिए बोलो क्या क्या हुआ हैं क्या होगा ये देखो बाय सीट बैठो बैठो पढ़ा रहा हूँ ना सिट एक सेकंड थोड़ा माफ़ करना भाई साहब थोड़ा माफ करना है ना समथिंग है ना एक सेकंड सिट 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 क्लियर देखिए नेक्स्ट मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आ रही है सबको आ रही है समझ में यस या नो मेरी बात सबको समझ में आ रही है यस या नो अब आगे बात समझ में गर्लफ्रेंड से समझ में आया बात सबको आएगा समझ में सर क्लियर आ मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है एक बार और देता है देखो मैं आपको एक छोटा सा देखो एक एक चीज़ और बता दो एक चीज अभी घबराओ मत एक दो चीज़ और बता दो मान लो दस बजकर तेईस मिनट हो तब क्या होगा आंसर मान लो बारह बजकर पचास मिनट हो तब क्या होगा आंसर मान लो बारह बजकर अट्ठावन मिनट हो तब क्या होगा आंसर ठीक है तब बताओ क्या होगा आंसर इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो बताओ देखिए भाई सबका कहने का अपना हक़ है जब तक आप सब कहोगे नहीं तो कैसे काम मेरे बच्चे मैं बार बार कहता हूँ मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ मेरे बच्चे बार बार सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप सभी लोग टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो ये क्लासेस में अभी इसमें तो भी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं ठीक है ना इसलिए हमेशा लाइव देखना क्योंकि तो कभी कभी बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि क्लासेस नहीं हो पाती है यूट्यूब पे तो मैं वो क्लासेस अन अकेडमी के ऐप पे वो भी फ्री में लेता हूँ इसलिए अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन <coughs> में मेरा प्रोफाइल दिया होगा वहाँ पर जाएँ आप मुझे फॉलो कर लें ठीक है क्या कर लें फॉलो कर लें और मेरा कोड एस के एस वन जीरो होगा ये वाला कोड उसको जैसे अप्लाई करोगे तो मेरे सभी सेक्शंस को फ्री में आप देखने लग जाओगे ठीक है ना कल बहुत सारी सेशन होंगे फ्री में ठीक है ना इसलिए ध्यान रखना अभी इसके चाराँच छः सेशन्स और होंगी ठीक है और अभी जो डाइस की जो क्लास होंगी छः बजे का टाइम है लेकिन मैं साढ़े छः बजे स्टार्ट करूँगा ठीक है छः बजे का टाइम है मैं साढ़े छः स्टार्ट्स करूँगा कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है ना हमें जो आ रहा नहीं आ रहे क्लियर चलिए देखिए मैं आपको देखता हूँ क्या होगा आंसर देखिए 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 सभी लोग देखिए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कमान सी सी हेयर सी प्लीज मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका ट्वेंटी थ्री है दस का मतलब क्या होगा घंटे की उसी आपका दस पर होगा मैंने ट्रिक क्या बताया था ट्वेंटी थ्री का डबल कितना होगा फोर्टी सिक्स इसका मतलब ये होगा आपका फोर पॉइंट सिक्स दस में से फोर पॉइंट सिक्स घटा हुआ तो कितना आएगा आपका ये आएगा आपका फाइव पॉइंट फोर कितना आएगा आपका फाइव पॉइंट फोर यस या नो फाइव पॉइंट फोर इस फाइव पॉइंट फोर को आप थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार तिया बारह पाँच तिया पंद्रह और एक सोलह एक सौ सो बासठ आएगा और तेईस का आधा करेंगे तो कितना आएगा साढ़े ग्यारह ऐड तो करेंगे तो 173.5 डिग्री 173.5 डिग्री क्या आप सभी का ये आंसर आया वेरी गुड क्या बात है सी के चांद कमान 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबको समझ में आ रहा नम है नम्रता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कमान 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 ए नेक्स्ट का 182 आ रहा है क्या चलिए ठीक है देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं अगर आप इसका करोगे तो देखिए ट्वेल्व का करोगे तो ट्वेल्व इसका करोगे तो आपका किस पे आएगा दस पे आएगा ट्वेल्व में से टेन गया टू थर्टी टू जो कितना आएगा आपका सिक्सटी और पचास का आधा करोगे कितना आएगा आपका पच्चीस तो साठ प्लस पच्चीस कितना आएगा पिचासी डिग्री अब मुझे ऑनेस्टली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबको समझ में आया हो तो मेरा ये रेफरल कोड है अन अकेडमी पर किसी भी कोर्सेज के लिए मेरे से और किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो तो सभी कोर्सेज पर यूज कर सकते हो एस के स्टैंड कोड का यूज होगा तो आप इस कोड का अप्लाई करो समझ में आ गया नहीं समझ में आया तो आप इस कोड को अगर आप यूज करते हो होकेडमी पर एडमिशन लेते वक्त तो मेरे पैसे कटते हैं ठीक है ऑन बताओ अब समझ गए सर? अब वाह वेरी गुड वेरी गुड अभी इसके बाद उसकी क्लास होगी ठीक है ना ये ध्यान रखना तिवारी जी सबको समझाओ सभी को है ना जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग है ना अभी उसकी क्लास कम 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 डाइस की क्लास होगी ठीक है ना डाइस की क्लास होगी किसकी क्लास होगी डाइस की क्लास होगी हो ठीक है ना चलिए ठीक है हाँ तब तो अच्छा है सर ठीक है ना डाईस कम्पलीट उसका रात को रात को किसकी क्लास होगी हाँ एवरी क्वेश्चन क्लियर रात को किस अभी अभी आपको अभी और अभी जाओ मत अभी आपको है ना अभी मुझे एक दो चीज़ें आप सभी स्टूडेंट्स को बता नीचे देखो संजय कुमार साहब टेलीग्राम लिंक दिया होगा आप सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो नीचे देखो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा जो नहीं ज्वाइन किया हो पहले आप ज्वाइन करो जब ज्वाइन कर लो तो फिर मुझे बताना संजय कुमार साह टेलीग्राम लिंक दिया होगा उसको क्लिक करके फटाफट पहले ज्वाइन करो मैं दो मिनट का वक्त दे रहा हूँ फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले दूंगा इन क्वेश्चन को मैं चेक करूँगा नीचे टेलीग्राम का लिंक है नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करो देखो संजय कुमार शाह टेलीग्राम लिंक होगा प्रोफाइल के नीचे उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट कर लिए ज्वाइन अभी नहीं भाई अभी अभी नहीं अभी अभी तो और एक कॉन्सेप्ट बता दूँगा जाते जाते एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँगा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता ज्वाइन करो फटाफट ज्वाइन करो पहले एक मिनट का टाइम दे फटाफट ज्वाइन करो फटाफट पहले ज्वाइन करो फिर आओ जल्दी जो डाल डाल पर सोन खिचिड़ियाँ किरती है बसेरा वो भारत देसी है, है, दे है, है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सूरज सबसे पहले आकर आले अपना डेरा मान क्या है ज्वाइन भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया होगा संजय कुमार शाह टेलीग्राम लिंक वहाँ से पहले ज्वाइन कर लो अभी फटाफट पर्सनली है ना ताकि क्लास कोई मिस ना हो ठीक है ना फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए संजय कुमार शाह टेलीग्राम लिंक ओके सो दैट दिस क्लास विल नॉट बी कोई प्रॉब्लम ना हो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद सर ठीक है ना वो आज एक सॉन्ग सुनाऊंगा आप लोगों को uh, अभी डाइस वाली क्लास में ठीक है ना बहुत अच्छा मेरा सॉन्ग है बहुत अच्छा मेरा सॉन्ग है सुनाऊंगा आप लोगों को ठीक है ना न्यूज सॉन्ग्स होगा सुना होगा तुम लोगों ने छोड़ देंगे छोड़ेंगे ठीक है वो अच्छा वो एक बजकर पचास मिनट का कर दीजिए ठीक है ये लो ये कह रहे कि सर एक बजकर पचास मिनट का कर दीजिए भाई ये लो भाई भाई एक बजकर पचास मिनट का कहा जाता है एक का मतलब एक पर होगा इसका मतलब दस पे होगा एक में से दसखत कितना होगा आपका माइनस का नाइन होगा नाइनस का तीस न महीने करेगा कितना आएगा आपका दो सौ सत्तर आएगा कितना आएगा, आएगा, आपका, सर। सर। आएगा आपका दो सौ सत्तर आएगा और देखो दो सत्तर आया पचास का आधा करोगे कितना आएगा आपका पच्चीस आएगा इसमें से आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा पाँच छः में से दो गया चार और, और ये करोगे तो दो कितना आएगा दो सौ पैंतालीस आएगा माइनस दो सौ पैंतालीस डिग्री अब ध्यान रखिएगा मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ इसमें मैंने आपको अब एक बात और बता इतना सारा चीज़ आप लोगों ने कर लिया क्या आप सभी लोगों ने इतना सारा चीज़ कर लिया यस या नो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए सभी लोग इतना सारा चीज़ कर लिया कभी कभी क्या होगा कि आपके आंसर में दो डिग्री नहीं होगा कभी कभी क्या होगा इसमें कि एक कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से सुनो कभी कभी क्या होता है एंगल में एंगल निकालोगे ना आप तो आपको दो डिग्री नहीं दिखेगा लेकिन दो को अगर आप एक में से अगर आप माइनस कर दोगे तो पाँच और ये छः पैंसठ डिग्री आपको दिखेगा तो आप पैंसठ डिग्री पे भी टिक कर सकते हो यानी कि 180 डिग्री को भी आप टिक कर सकते हो कई बार कभी कभी आपको दिखेगा कभी कभी तीन के बेसिस पे है ना वो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा और टेंशन नहीं है आप आंसर आराम से फाइंड कर लोगे एंगल वाला आप आंसर आराम से फाइंड कर लोगे ठीक है ना इसकी दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को ठीक है ना मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोग कोई भी दिक्कत हो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है ना आप बड़े ही आराम से आप फाइंड कर लेंगे ठीक है चलिए सभी ज्वाइन करके आ गए सर so, इसके लिए आप डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि इसका एरर बता हाँ भाई हाँ भाई डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम का लिंक अपना नंबर से वेरीफाइड कर लेना आपका ज्वाइन हो जाएगा देखो एच डब्ल्यू टाइम का बता रहा हूँ लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए दो बजकर बीस मिनट तीसरा क्वेश्चन लिखिए तीन बजकर अठारह मिनट चौथा क्वेश्चन लिखिए अठारह बजकर अट्ठाईस मिनट पाँचवा क्वेश्चन लिखिए नौ बजकर पैंतीस मिनट आ जाओ आ जाओ छः बैठकर ग्यारह बजकर बाईस मिनट सातवा लिखिए ग्यारह बजकर पचपन मिनट आठवा लिखिए तेरह बजकर दस मिनट यस कम 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 नौवा लिखिए सत्रह बजकर तीस मिनट दसवा लिखिए दसवा लिखिए आप नेक्स्ट लिखिए बारह सात सोलह सोलह बजकर पैंतीस मिनट ठीक है इसका आप टाइम बताना है आपको आपको इन सब का क्या बताना है? है आपको इन सब का क्या बताना है आपको इन सब का टाइम बताना है ठीक है ठीक है आपको इन सब का क्या बताना मोनिका बताओ क्या पूछ रहे हो आप वोटीओ आंटी हो है ना सर कुछ क्या पूछ रहे हो तुम खाली पूछ नहीं रहे हो खाली यार कमेंट कर रहे हो आप पूछो तो जल्दी है ना ठीक है ऑफलाइन कमेंट करके पूछ के छोड़ दिया करो नहीं जी कर पाता हूँ तो ठीक है ये ध्यान ये इसको नोट डाउन करो फोटेबल एक तो ये लिखिएगा ठीक है ना चलिए आज इतना ही रहने देते हैं ना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना अभी आइए अन अकेडमी के ऐप पे छः बजे क्लास होगी ठीक है ना छः बजे के सॉरी यूट्यूब पे छः बजे मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लिया वहाँ पे आएगा बाकी किसी भी बच्चों को अन अकेडमी पर एडमिशन लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं ठीक है ना तो यू कैन यूज माई देयर रेफरल कोड एस के एस वन जीरो ठीक है सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम से मेरे इसलिए बस ध्यान रखिएगा कोई भी लक्ष्य आपके प्रयासों से बना नहीं है अगर आप प्रयास करेंगे तो ये लक्ष्य आपको छोटा दिखेगा प्रयास करते रहो प्रयास करते रहो कैसे नहीं कैसे नहीं हम लोगों का सी सैट क्लियर होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा ठीक है हारा तो वो इंसान जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं है अगर आप लड़ रहे हो तो ध्यान रखना कभी नहीं हारोगे इसलिए नहीं लड़ोगे तो हार जाओगे ठीक है बट इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर यू पी एस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट देन यूज माई कोड एस की एस वन जीरो आप किसी भी अन अकेडमी में पूरे कोर्सेज में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आपका मन में कुछ भी हो कहीं भी एडमिशन ले रहे हो पूरी अन अकेडमी पर आप यूज़ करिए इस कोड को यू कैन गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओके थैंक यू सो मच टेक यू लवी मच गुड बाई टेक किया वीडियो के लिंक को शेयर करिए आप जो आपके पास जितना भी टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर है ना आप इसको शेयर कर दीजिए है ना आप इसको शेयर कर दीजिए फटाफट अभी लिंक को शेयर कर दीजिए ठीक है गुड बाय टेक केयर थैंक यू सो मच बाय